रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू बीती रात 9:30 बजे मेडिकल कॉलेज के औचक निरीक्षण में पहुंची, जहां उन्होंने पूरे अस्पताल में घूमकर मरीजों को मिल रहे इलाज और उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर मनोज मिंज के साथ हर वार्ड में जाकर वहां की व्यवस्था देखी और मरीजों से बात की। CEO जिला पंचायत अविनाश मिश्रा और आयुक्त नगर निगम संबित मिश्रा भी निरीक्षण के दौरान साथ रहे। कलेक्टर साहू ने इस मौके पर कुछ जगहों में निर्माण कार्यों में कमी को लेकर खासी नाराजगी जताई। उन्होंने PWD के अधिकारियों के साथ संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कई वार्डों में पर्याप्त सफाई व्यवस्था नहीं होने पर भी असंतोष व्यक्त किया और नियमित रूप से सफाई करवाने के निर्देश दिए। कलेक्टर रानू साहू ने मेडिकल कॉलेज में अलग अलग फ्लोर्स में बने विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। उन्होंने मेल और फीमेल शिशु रोग, स्त्री रोग, अस्थि रोग, ICU कैजुअलिटी का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मरीजों को यहां उपलब्ध हर सुविधा का लाभ मिले, यह मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इस दौरान कलेक्टर साहू ने कई वार्डों में पर्याप्त सफाई व्यवस्था नहीं होने पर भी असंतोष व्यक्त किया। कैंसर से पीड़ित एक 6 वर्षीय बच्ची भी मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर रानू साहू जब उक्त वार्ड में पहुंची तो उनके परिजनों ने चर्चा के दौरान बताया कि बच्ची को किडनी का कैंसर हुआ है, जिसका उपचार एम्स रायपुर में हो गया है, जिसके पश्चात अब उनकी कीमोथेरेपी करवाने यहां लाए हैं, किंतु यहां कीमोथेरेपी के लिए ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ और मैन पावर नहीं होने से समस्या होती है। कलेक्टर रानू साहू ने उनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए तत्काल डीन मेडिकल कॉलेज को आवश्यक व्यवस्था करने हेतु पत्र जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने राज्य स्तर पर चर्चा कर जरूरी व्यवस्थाएं करवाने की भी बात कही।